चलिए चलिए कुरली बाबा पधारे हैं। कहाँ है नई बहू? रुको, तुम्हारी बहू को इतना भी ज्ञात नहीं कि साधु संत कांच के बर्तनों का उपयोग नहीं करते। करोली बाबा नियम का बहुत पक्का है, इनका हर काम कायदे से और तरीके से होना चाहिए। शिवलिंग को अपने हाथ में उठाए ओम नमः शिवाय मंत्र के जप के साथ दंडवत प्रणाम करते हुए तुम्हें मंदिर तक जाना होगा। अरे बहूजी, आपके पैरों से तो खून निकल रहा है। दीजिए दीजिए दीजिए, मैं लेके जाता हूँ। भूल हो गई हमसे, माफी मांगते हैं बाबा जी। हम अभी जाके दूसरा शिवलिंग ले आते हैं। बस उसकी कोई आवश्यकता नहीं, हमने पहले ही कहा था जो व्यक्ति पहला प्रभाव डालता है वो अंतिम होता है। दूसरी बार कार्य पूरा कर लेने से श्रद्धा बढ़ नहीं जाती। तुमने जता दिया कि इस कार्य के प्रति तुम्हारे मन में कितनी श्रद्धा है। अखंड ज्योति जलेगी आज मठ में शिवलिंग के सामने, किंतु याद रहे ज्योति बुझनी नहीं चाहिए। इतना तो कर लोगी या उसके लिए भी दूसरा अवसर मांगोगी? या, अरे या, सुनो तो, रुको रुको, इस समय कहाँ जा रही हो, बता के तो जाओ। मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं आके बताती हूँ। अरे सुनो, गंगा बहू, दिल छोटा मत करो बहू। मंदिर में जो हुआ ना, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम जानते हैं दाई माँ, लेकिन शायद हमें और ध्यान रखना चाहिए था। हम कितनी भी मेहनत कर लेना, उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। तुम्हारी मेहनत और कोशिश बेकार नहीं जाएगी गंगा बहू। देखा ना शिव कैसे अब तुम्हारा साथ देने लगा है। अरे बाबा भी जल्दी से तुम्हें पहचान जाएंगे। असल में क्या है, पार्वती बहू से बाबा को बहुत ही लगाव था। किसी और को उसकी जगह स्वीकार करने में थोड़ा समय तो लगेगा ना गंगा बहू, लेकिन हम जानते हैं तुम जल्दी जीत लोगी बाबा का मन। हाँ गंगा बहू, हमारी मदद की जरूरत पड़े ना तो हमें बुला लेना। हाँ? सी वापस क्यों नहीं आया था? हम देखते हैं। अरे इतनी तेज हवा, ये दिया तो बुझ जाएगा।
गंगा आप ठीक है ना? ये सब आप आइए हमारे साथ, आइए, दिया चल रहा है, ध्यान रखिएगा, आइए गंगा, आइए अंदर आइए, ये लीजिए, अरे लीजिए, पहन लीजिए, ठंड लग जाएगा, लीजिए, कुर्ता भी देते हैं हम आपको, ये लीजिए, लीजिए जल्दी और पहन लीजिए, जाइए। जाग रहे थे, जाने कब आंख लग गई, गलती हमारी, अब हमें सोना नहीं चाहिए था। देखिए शरीर थका हो तो नींद आ ही जाता है, वैसे आपको किसी को कह देना चाहिए था, वो ध्यान रखता दीपक का। अच्छा एक बात बताइए, सोने से पहले कुछ खाए थे या नहीं खाए थे? हो गया। हम आपसे पूछ रहे थे कि आप खाना खाए नहीं खाए? तो आज बहुत लोग आए थे ना, तो खाना बचा ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी हमें बिल्कुल भूख नहीं लगी थी। क्या? आपको शायद भूखा रहना पसंद है, मजा आता है आपको भूखा रहने, अभी भूख लगा है या खाने से कोई दुश्मनी है? भूख तो बहुत जोरों की लगी है, लेकिन कैसे कहें? एक बात तो हम आपके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको भूख बर्दाश्त नहीं होता, गुस्सा का रूप लेकर नाक पर सवार हो जाता है, सुबह सुबह बहुत बार आपका ये अवतार देख चुके हैं हम। याद है तुम्हें? याद नहीं होगा हैं? हाँ, सत्तू का लड्डू खाएंगे आप? पाव जी बनाना सिखाए थे हमको। तुम्हें सच्ची लड्डू बनाना आते हैं? तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। तो बनाते हुए देख लीजिए, उसके बाद में विश्वास कर लीजिएगा। हम अभी पानी लेके आते हैं। आइए बैठिए। सत्तू का आटा। ये लीजिए सत्तू का लड्डू तैयार, आइए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आज मंदिर में जो कुछ हुआ वो सुने हम, दाई माँ ने सब कुछ बता दिया, लेकिन आपका तो यही कहना था कि अगर गलती ना हो तो माफी नहीं मांगना चाहिए, फिर क्या हुआ? का सिबलिंग आपके हाथ से टूटा? देखिए हमको तो ये बात पर विश्वास है नहीं,
आप बताइए क्या हुआ। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि हमसे शिवलिंग नहीं टूटा? इतना दिन में थोड़ा बहुत तो आपको जान गए। असल में वो सेवक आया था, वो हमें बताया कि वो बहुत डर गया था। वो आपकी मदद के लिए पहुंचा था वहां पर, लेकिन गलती से वो के हाथ से शिवलिंग गिर गया और टूट गया। उस सेवक हमको सब कुछ बता दिया। प्रताप, पार्वती का जो गहना है ना, जो बैंक के लॉकर में रखवाए हैं, वो कल सुबह तक हमारे पास पहुंच जाना चाहिए, ठीक है ना? बहुत ही जल्दी तुम गंगा को समझने लगे हो सिर्फ। हम भी देखते हैं कि तुम्हारा समझदारी कितना सही है। अब कल होगा तमाशा। करोली बाबा अपना हाथ से सारा गांव वालों को दान देना चाहते हैं। सारा इंतजाम हमें करना है प्रताप। जी भाई साहब, हमने सभी सेवकों को बोल दिया तैयार रहने को, सब ठीक से हो जाएगा। बहुत बढ़िया। गंगा बहू, ई पार्वती बहू का गहना है, उको मठ से मिला था, मठाधीश का बहू होए के नाते अभी पर तुम्हारा अधिकार है, रख लो। पार्वती दीदी के कहने हम कैसे ले सकते हैं माँ जी? हम कहे ना, अभी पर तुम्हारा अधिकार है और सिर्फ भी इसे सहमत है। कहे से? जैसा आप ठीक समझे। रख लो, लो। तब तय हो गया, आज से ये गहना तुम्हारा। आज मठ में ये पहनकर चलोगी तुम। लेकिन एक बात याद रखना, ये गहना हमारे परिवार में पुश्तों से चला आ रहा है। कहे कि मठाधीश का चुनाव तो हमारे ही परिवार से होता आ रहा है, इसलिए इसे संभाल के और सम्मान के साथ रखना, ठीक है ना? चलिए आइए, पहुंच गए। जुमकी, ये गंगा जो गहना पहनकर ठुमक रही है ना, जानती हो काहे लिए दिए हैं उको? ताकि वो गहना को चुरवा कर ऊपर चोरी का इल्जाम डाल सके, समझे ना? अखियों का सपना तू ही, सारों में एक अपना तू ही। अखियों का सपना तू ही, सारों में एक अपना तू ही। नींदों में भी और तेरी चले मोरे पांव, नींदों में भी और तेरी चले मोरे पांव, नींदों में भी और तेरी चले मोरे पांव, चले मोरे पांव। बहुत इतरा रही हो ना सुंदर गहने पहन के। आगे आगे देखिए होता है क्या गंगा भाभी। मालकिन मेरी मदद कीजिए। दूर हटो, दूर हट, गंदे हाथों पे हमें हाथ मत लगा। मालकिन, मेरी बेटी का ब्याह करना है, बहुत अच्छा रिश्ता आया है, अगर अभी ब्याह नहीं किया तो जिंदगी भर बिन ब्याही रह जाएगी। मेरे पास पैसे नहीं है मालकिन, मालकिन दया करके कुछ पैसे दे दीजिए, जिंदगी भर आपका उपकार मानूंगी। तनिक उठिए, उस तरह दान पुण्य का काम चल रहा है, वहां जाए आपको मदद मिल जाएगी। जाइए।
प्रणाम बाबा जी। इन गहनों से पुराना परिचय है हमारा। पार्वती बहू ने इन गहनों की मर्यादा बनाए रखी। आशा करते हैं कि तुम भी आदर से इन्हें सहेज कर रखोगे। गहना चाहिए तुमको? कोई बड़ा बात नहीं है, मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। अगर हमरा कहना पर चलोगी तब अब जो कहेंगे हम वो करेंगे। अब बोल कर तो देखिए। माँ जी ने जो काम बताया है उसके लिए ये भी कारण ठीक रहेगी। अरे फुनो, 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 एक कंबल से आपका काम चल जाएगा कि आपको पैसे भी चाहिए? पैसे कैसे? कुछ नहीं, हमारे छोटा सा काम करना होगा। पूरे 10,000 रुपए मिलेंगे। अपनी बेटी की खुशी के लिए हम कुछ भी करेंगे। बताइए क्या करना होगा? ठीक हुई ना बात, आपको सिर्फ एक छोटी सी चोरी करनी है, है? गहनों की चोरी। हे भगवान, चोरी? ठीक है, नहीं करने की और भी करवा लेंगे। जल्दी जवाब दो, हाँ या ना? हाँ। अगर पैसों की जरूरत ना होती तो हम ये पाप कभी ना करते। पैसों का ही तो खेल है, कोई पाप है कोई फेल है, कोई बात नहीं। हम आपको बता देंगे कि कैसे चोरी करनी है और किसकी करनी है, है? कोई बहाना बना के कक्का भाभी को उस कमरे में भेज दूंगी जहाँ 50 की मूर्ति रखी है। कक्का भाभी प्रसाद का पैकेट बनाने लगेगी और मैं उनके लिए प्रसाद के लड्डू में भांग मिला दूंगी। तुम दरवाजे के पास छिपी रहना, भांग वाला लड्डू खा के गंगा भाभी को चक्कर आ जाएगा, तब तुम फटाफट उनके गहने चुरा कर भाग जाना। वैसे आज डबल धमाका होगा, एक तरफ गहनों की चोरी, दूसरी तरफ भांग का असर गंगा भाभी पर। ऐसा तमाशा होगा, मजा आ जाएगा। मताधीश की पत्नी भांग का के ऐसे झूमेंगी, सभी लोग देखेंगे। आज झुमकी तुम्हारी बात ही कुछ अलग है, है? गंगा भाभी, करोली बाबा ने आपके लिए पफल प्रसाद भेजा है, अभी खा लीजिएगा। हाँ? अभी? हाँ, ये प्रसाद को ना अभी के अभी खाना होता है। लीजिए, खा लीजिए। गंगा भाभी रुक जाइए। गंगा भाभी, ये आपके हिस्से का प्रसाद है, वो तो झुमकी भाभी के हिस्से का प्रसाद है, गलती से आपको दे रही है, उनको दे दीजिए। अरे आप, ये करोली बाबा ने गंगा भाभी के प्रसाद भेजा है, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, सही, बाबा ने आपको दिया था लेकिन गलती से दिया था, इसलिए बाबा ने मुझे तुरंत भेजा है सब चीजें सही करने के लिए। एक मिनट, मैं आप दोनों को सब समझाता हूँ। गंगा भाभी जरा उठ जाइए, एक ये दीजिए हमें, धन्यवाद। एक मिनट, क्या है, एक प्रसाद आप लाई थी गंगा भाभी के लिए और एक प्रसाद हम लाए थे गंगा भाभी के लिए। अब हुआ है कि गलती हो गई,
ये आपका है और ये उनका है, नहीं, है ना? हाँ हाँ, ये आपका है और ये उनका, यही तो हो रहा है। लेकिन होता क्या है, प्रसाद आता कहाँ से? भगवान से। भगवान कहाँ है? ऊपर। ऊपर, हाँ इसे तो हम कह रहे हैं। आप प्रसाद खाइए ना, आराम से खाइए। नहीं नहीं, हाँ सही है। अरे दोनों अपना अपना प्रसाद खा लीजिए। पता नहीं भांग वाला लड्डू मेरी कटोरी में है या गंगा भाभी के। ये भगवान क्या करूं? नहीं, कहाँ जा रही है, यहीं खाइए ना। नहीं, भाई अभी तो आपने कहा गंगा भाभी से कि प्रसाद तुरंत खाना चाहिए, वरना कजोली बाबा नाराज हो जाएंगे। जी, तो लेकिन हमारे पेट में थोड़ा दर्द है। चूंकि भाभी ये प्रसाद है, खाने से पेट बिल्कुल सही हो जाएगा, और बाबा ने कहीं श्राप दे दिया तो खाइए खाइए। जी जी जी, खाते हैं। गंगा भाभी आप भी खाइए। चुमकी भाभी, किस्मत से आपको लड्डू में भांग मिलाते देख लिया था मैंने, इसलिए वक्त रहते गंगा भाभी को बचा सका। अब देखता हूँ भांग के नशे में आप क्या तमाशा करती है।